नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लातेहार मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने लातेहार जिला मुख्यालय आ रही एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बेसना गांव निवासी पाड़ो देवी 48 वर्षीय आंगनबाड़ी सेविका अपने 32 वर्षीय बड़े बेटे जितेंद्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति के साथ GH 1949-10 से लातेहार जिला मुख्यालय आ रही थी। इसी बीच लातेहार जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले ट्रक GH 02Z 9895 में बाइक को टक्कर मार दी। घटना के दौरान ट्रक महिला पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि जिसने भी देखा वह दर्दनाक दृश्य को देख कर सहम गया। ट्रक की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक ट्रक में फंस गई और ट्रक करीब 100 मीटर आगे जाकर ट्रक रुका, तब बाइक का पता चला। घटना के बाद ट्रक के चालक व उपचालक मौके से फरार हो गए। इस घटना में ट्रक की चपेट में आने से महिला के शरीर के कई हिस्से सड़क पर बिखर गए, जबकि इसी सड़क हादसे में मरने वाली महिला का बड़ा बेटा जितेंद्र सिंह भी ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक सवार तीसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने पर लातेहार सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले पर लातेहार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दुख जताया है। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष सिंह ने कहा कि मामला उपायुक्त अबू इमरान के संज्ञान में आया है। उन्होंने सरकारी प्रावधान के अनुसार स्वजनों के साथ घायलों को मदद का निर्देश जारी किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।